इसकी ऑफिसेज, इसका हेड ऑफिस कैनरी वॉर्फ लंदन में है, इसका एक ऑफिस दुबई DIFC में है, इसका एक ऑफिस मलेशिया में है, और एक ऑफिस हमारे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में इस्लामाबाद में है। सो अब टर्की में भी हम ऑफिसेज बना रहे हैं एंड हम अपना फुटप्रिंट वाइडर कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी मिस्टर अनवर नवीद ने, और उसके साथ मिस्टर ज़फ़र अंजुम इसको लेके चल रहे हैं अभी तक मिसेस कमल ज़फ़र के साथ। ये एक जर्नी ऑल टुगेदर। ऑफ लेटली हमने इसकी 32nd बर्थडे सेलिब्रेट की थी, एनिवर्सरी। वी सेलिब्रेटेड इट अक्रॉस द वर्ल्ड अपने सारे ऑफिसेज में। सो कॉर्पोरेट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशंस बेसिकली डील करती है ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वेस्टिगेशंस पे, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि एम्प्लॉयज़ जो आप कंपनीज में हायर कर रहे होते हैं, हमारे क्लाइंटल वो कंपनीज हैं जो जो भी अपना मैन पावर हायर करती हैं। तो जब वो अपने एम्प्लॉयज़ कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर करती हैं, तो एम्प्लॉयज़ के बैकग्राउंड चेक्स देखना, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनकी रेफरेंसेस की, उनकी एक्सपीरियंसेस की, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करना, उनकी ड्रेस वेरिफिकेशन करना, ये सब हमारे इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा है। एंड ठीक। जब हम कॉर्पोरेट रिसर्च की बात करते हैं, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू डिलीजेंसेस करना चाहती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जैसे कुछ लंदन में करना चाहेंगी, तो हमारे लंदन के जो ऑफिस वाले हैं वो उनको ड्यू डिलीजेंस बताएंगे कि इस वक्त जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो फिजिबल है वो सेगमेंट या नहीं। सो कॉर्पोरेट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशंस इज डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिव, एंड वी हमारे पास एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एनालिस्ट की टीम है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट ऑफिसेज। या अच्छा, ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी। इसकी जो नीटी ग्रीटी डिटेल्स हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, और आपने कहा भी पुलिस का वो या चेक भी किया जाता है कि जी किसी थाने में आपके खिलाफ FIR तो नहीं कटी हुई, लेकिन आपको पता है FIR कटवाना तो बहुत ही बाएं हाथ का खेल है। आपसे भी मैं ये पूछूंगी कि क्या जब पाकिस्तान में इतनी रेफरेंस बेस्ड जॉब मिलती हैं, तो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वो सिग्निफिकेंस रह जाती है और बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है एक न्यूज़ ब्रेक का, क्योंकि खबरों से बाखबर रहना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं एक न्यूज़ ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदेद। बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू चल रही थी जनाब, ऑफ दी कैमरा भी। आई होप आप लोग खबरों से बाखबर हो चुके होंगे, खबरों से अपडेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अनजा, स्ट्रेट अवे आपकी तरफ चलते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले नीलूफर हमें बता रही थी कि जी हम बैकग्राउंड चेक्स करते हैं, उसकी पूरी डिसेक्शन होती है कि किसी थाने में मुकदमा तो नहीं है, इसकी डिग्री जो है वो असली है कि नकली है, ये कौन है, ये क्यों है, ये क्या है, ये कब आया था। अच्छा, आपसे अब ऑन द सीरियस नोट्स में ये बात करती हूँ कि जी पाकिस्तान में एक चीज परसेप्शन बनी हुई है, एंड यू नो परसेप्शंस आर ग्रेटर देन रियलिटी एट टाइम्स, के जी रेफरेंस बेस्ड है, जी आपकी कोई जान पहचान है तो नौकरी मिलनी है। इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव यू नो न्यूट्रल बैकग्राउंड चेक? और क्या पाकिस्तान में अभी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इतनी मेच्योर, आर दे मेच्योर इनफ टू इनकल्केट इट कम्प्लीटली, या रेफरेंस चलता है एंड यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं, बहुत सारे, तो इनको एक एक करके कहती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे 3 बैकग्राउंड चेक्स हो चुके हैं, ओके, ठीक है ना, और CRI नहीं किए। बट यू मस्ट बी इन अ मल्टीनेशनल ना? जी जी जी, मल्टीनेशनल में, और अभी भी रिसेंट वाला, अभी कुछ महीने पहले तो CRI नहीं किया था, एंड ओके की रिपोर्ट है जी लड़की की। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कभी कोई रिश्ते वाले आते हैं, मैं कहती हूं मैं CRI से बैकग्राउंड चेक की रिपोर्ट, CRI की सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद है, कहीं ओके की रिपोर्ट है, लड़की की रिपोर्ट है 100%। क्या बात है जनाब, डिग्री भी असली है ना? डिग्री भी असली है, बस जी तुम इलेक्शन लड़ो फिर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औकात हम जैसे लोगों को देख के समझते हैं कि जी बड़े कोई बड़ा पवा होगा, रेफरेंस होगा। मुझे याद है कि मैंने आज तक कभी कोई सोर्स नहीं यूज़ किए, लेकिन पाकिस्तान में मैं ज़रूर ये कहूँगी कि एक हमारी कुछ चीज़ें कल्चरल भी हैं, ठीक है, हमारे पास इक्विटी नहीं है, तो चैनलाइज नहीं है चीज़ों को। तो यस, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, कि क्योंकि मैं MNCs के साथ काम करती थी तो हमारे होते हैं बैकग्राउंड चेक्स। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हर एक स्टार्टअप पाकिस्तान के अंदर या हर एक कॉरपोरेट इदारा उसमें एकदम से ये चेंज आ जाए, शायद थोड़ा मुश्किल हो, इट विल टेक टाइम। और जहाँ तक रेफरेंस की बात होगी, देखें अगर इंसान डिजर्व करता है और सिर्फ अगर आपने एक इंट्रोडक्शन करा दी तो वो तो फिर हमारे दीन में भी है ना कि आप इंट्रोडक्शन लोगों को आप करवाएं, रेफरेंसेस मिलवाना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो बिजनेस मैचमेकिंग भी
अगर आपके पास कोई अच्छी रिसोर्सेज हैं, आई थिंक अगर आप किसी के रेफरेंस के थ्रू जाते हैं. अच्छा, मेरा तो ये मानना है कि जब से हमने हायरिंग शुरू की है, अगर कोई रेफरेंस बेस्ड पोजीशन आ रही है, वहाँ भी कॉर्पोरेट रिसर्च और बैकग्राउंड चेक्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है. बिकॉज ऑब्वियसली जैसे अगर मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे कोई सीवी भेजनी है, तो डेफिनेटली 50% ऑफ द वर्क इज़ डन क्योंकि आपने मुझे भेजी है. बट देन उसके बाद भी रेफरेंस के अलावा भी बैकग्राउंड चेक होना, उस चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है. वाई? बिकॉज मैं जैसे रोज़ कोई 4-5 इंटरव्यूज तो लेती हूँ हायरिंग फॉर द टीम. और पिछले दिनों की बात है, मैं नीलोफर से डिस्कस कर रही थी. वी हायर्ड प्रोफेशनल जो बड़ी काबिल लग रही थी मुझे बाजार में, तो मैंने कहा जी लग रही थी जी. तो मैं काफ़ी खुश हुई थी, मैंने कहा ओके तो अगर ये हमारे टीम का हिस्सा बनेंगी. और फिर विद इन आई थिंक जैसे ही बैकग्राउंड चेक आया विद इन अ फ्यू डेज, तो वहाँ से प्रीवियस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे विथ रिगार्ड्स टू कंडक्ट एंड बिहेवियर. नहीं, नॉट जस्ट कंडक्ट एंड बिहेवियर, ऑल्सो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट. तो वो चीज़ वो मेरे लिए इसलिए फ़ायदेमंद हुई क्योंकि हमें पता चल गई थी ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड. हमने उनको खुदाफिस कह दिया. तो वरना ये चीज़ें अगर रिपीट होता है फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट में, तो ये होता है ना कि पीपल वो आपको कहते हैं ना कि जी लेटर ले. कॉर्पोरेट में ये बहुत होता है कि जी पिछली उसका जो रिलीविंग लेटर है वो आप ले, तो वो रिलीविंग लेटर तो मिलता ही नहीं है ना, तो उसके बगैर तो थोड़ा सा वैसे भी इवन अदरवाइज ये मुश्किल हो जाता. देखिए ना, तो फिर लेकिन हम मुझे मेरा ये मानना है कि हर हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हम एक्सपर्ट्स हैं. अब अगर मैंने ग्रोथ और सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट को देखना है, तो मैं उस इंसान की, मुझे नहीं पता कि सीवी में कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं या कौन सी ऐसी चीजें मिसिंग हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं. तो इसीलिए आप जब किसी थर्ड पार्टी को इंगेज करते हैं तो वो अपनी चीज जो उनकी एक्सपर्टीज है वो करते हैं. हम यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, जहाँ हमें मसले आते हैं वहाँ हम चाहते हैं हर काम हम खुद कर लें, हम नीम हकीम बन जाए. तो बड़ा जरूरी है जी. अच्छा, बहुत इसने आपने अंजा अच्छी बात की है, मज़े की बात ये की है कि देखो 50% तो रेफरेंस बेस ज़रूरी है. अच्छा, जिसको आप कहते हैं ना कि जी हदीस भी है कि जी एक दूसरे को करो, अब इसको नेटवर्किंग कहा जाता है कि जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं बेसिकली उसमें डिफरेंट लोग कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट करवाते हैं. ठीक है, बट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर दैट रेफरेंस, ठीक है, आप उसको भी चेक करो न्यूट्रल, ताकि मेरिट ऊपर आए, मेरिट ऊपर अह लोग ऊपर आए. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं जो कि सेपरेट एंटिटीज हैं, बॉडीज हैं जो ये चेक्स कर रही हैं. अच्छा, सबसे पहले आप थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज कंडक्ट बैकग्राउंड चेक्स, किस तरीके से आप इसको करते हो, कौन कौन से एरियाज होते हैं जिसको आप कवर करते हो? अच्छा, बैकग्राउंड चेक्स में सबसे पहले तो आपकी CNIC की वेरिफिकेशन होती है. उसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस इफ यू हैव दैट एंड यू हैव लाइक ऑल द डिपार्टमेंट्स पीपल सिटिंग. बिल्कुल, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एनालिस्ट की ही सबसे बड़ी टीम होती है हर रीजन में, चाहे वो UAE है, UK है, टर्की है, मलेशिया है या पाकिस्तान है. सबसे बड़ी हमारी जो टीम के एसेट्स हैं वो ऑपरेशंस हैं, और ऑपरेशंस का सबसे बड़ा हिस्सा इन्वेस्टिगेटिव एनालिस्ट हैं. इन्वेस्टिगेटिव एनालिस्ट हमारी हेड काउंट का 90% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और यही इन्वॉल्व हैं ये सारे चेक्स कंडक्ट करने में. हम फिजिकल एड्रेस, अच्छा फिर आपके घर की एड्रेस, NIC वेरीफाई हुआ, CNIC वेरीफाई हुआ, उसके बाद आपका NICOP है या जो भी है वो वेरीफाई होगा, ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई हुआ, उसके बाद हम जाते हैं आपके एड्रेस की तरफ, होम एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं. जहाँ मर्जी आप अभी हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जिधर मर्जी आप पाकिस्तान में एम्प्लॉयड है, हम आपका वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन करवाएंगे. सही, हमारी टीम करेगी. उसके अलावा आपके साथ जब और अगर आगे से घर बंद हुआ और कोई ना निकला, बेल दी ये साहब यहाँ रहते हैं, तो वो क्या हमारी वो ऑनलाइन डिलीवरी की तरह शिपमेंट वापस तो नहीं चली? अच्छा, मल्टीपल अटेम्प्ट्स तो भी हम 3 अटेम्प्ट्स करते हैं उसके लिए, और हमारी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, मैं उसकी तरफ आती हूँ. इसके अलावा एड्रेस वेरिफिकेशन के साथ जब हमारे एक्सपीरियंसिस की बात होती है, तो हम सबसे पहले आपकी डिग्रीज एक्सपीरियंस से पहले एजुकेशन वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं. एजुकेशन आपकी डिग्रीज वेरीफाई करते हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे उनके साथ जो एसोसिएशंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन वेरीफिकेशन दे देती हैं, कुछ दे टेक टाइम, तो वो वेरीफाई होती हैं आपकी. उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस 1 by 1 वेरीफाई होते हैं. और जब एक्सपीरियंस लेटर्स जो आपने रेफरेंसेस शेयर किए थे हमारे क्लाइंट, क्योंकि हमारे बड़े मल्टी नेशनल क्लाइंट्स भी हैं और पाकिस्तान के टॉप, अब वो जैसे अब अंजा ने बताया कि इनके रेफरेंस चेक्स हुए हैं, तो हमारे टॉप लीडिंग MNCs पाकिस्तान के और टॉप लीडिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हमारे कॉर्पोरेट डीलिंग्स हैं, वो हमारे क्लाइंटेल में हैं,
बहुत बड़े बड़े नाम हैं और उनके हम बैकग्राउंड चेक्स एम्प्लॉयज़ के, एम्प्लॉय स्मार्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें यही चेक्स कंडक्ट होते हैं. तो जब एक्सपीरियंसेस हम उनके वेरीफाई करते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट होता है. देर इज एन ऑल टुगेदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है. उसके अंदर जब आपके जो येलो फ्लैग, रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग्स होते हैं, 100% कन्फर्मिटी जहाँ हो जाती है कि यू आर क्लियर, क्लीन, क्लीन चिट मिलती है, ग्रीन फ्लैग आता है आपकी उस रिपोर्ट के आगे, CNIC के आगे अगर वो वेरीफाई हो गया, ग्रीन रिपोर्ट, कुछ गड़बड़ थी उसमें. अच्छा नीलोफर, आप मुझे ये बताएं, कभी कोई शॉक भी मिले, कोई डिग्री जाली निकल आई हो, कोई एड्रेस से जो है वो सकीना की बजाय जरीना निकल आई हो, कुछ इस तरह की कोई चीज हुई? बिल्कुल, ऐसी चीज़ें तो बहुत ऑफ्टन है. और इसी की वजह से जैसे अंजा ने आपको बताया कि जिनकी बैकग्राउंड चेक्स क्लियर नहीं आते तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा स्टेप लेती हैं कि फिर उन एम्प्लॉयज़ को नहीं रखते. बट एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं जो कि मेरे लिए भी शॉकिंग था, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी HR हेड रखी थी, HR बिजनेस पार्टनर, टॉप लीडिंग लाहौर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड ऑफिस लाहौर में है, पाकिस्तान की टॉप ऑर्गेनाइजेशन में से एक है. और पहले तो उन्होंने नहीं कराया बैकग्राउंड स्क्रीनिंग, लेकिन HR के थ्रू जब उन्होंने बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कराई, वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंसेस, शी वाज देयर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर गुड 5 years. लेकिन जब उनकी अपनी बैकग्राउंड रिपोर्ट हमसे जनरेट करवाई गई तो उनकी एक डिग्री जो है वो जाली निकली, जाली थी और बाहर की, तो वो तो फिर इलेक्शन लड़ सके, बाहर की क्लेम की हुई थी उन्होंने. अच्छा, वो आपने बाहर से वेरीफाई करवा दिया जी. और लेकिन अब आप देखें कि फिर तो जब हम आपको रिपोर्ट दे देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा तो काम है कि ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ्टी, सिक्योरिटी, मैन पावर में भी प्रोवाइड करना ताकि उनके एम्प्लॉयज उनके एसेट्स बने इन द लॉन्ग रन, और मेजॉरिटी प्रॉफिट जनरेटिंग स्टेक होल्डर्स बने. जैसे रेवेन्यू जनरेटर सबसे ज्यादा तो एम्प्लॉयज होते हैं. योर हैप्पी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी की सक्सेस डिटरमिन करते हैं और आपकी इंटीग्रिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए. तो जब उन्होंने फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को तो हमने फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वी कैप्ट अ चेक, उन्होंने दे डिडंट फायर हर, दाग तो अच्छे होते हैं, वो दाग लग गया ना उनके ऊपर, वो जो है ना, लेकिन उनके लिए दाग भी अच्छे ही साबित हुआ मुझे लग रहा है. अच्छा, बट अगेन ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात आपने की है, लेकिन देखिए वही वाली बात है कि जो चीज एक बेस झूठ पे मबनी है, बिल्कुल आपकी क्रेडिबिलिटी तो हिट हो गई ना. मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहूंगी कि जब हम इंटरव्यूज करते हैं और अगर जो भी इस प्रोग्राम के तवसल से देख रहे हैं हमें, कोई ऐसे यंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि इंटरव्यूज दे रहे हैं, खुदारा प्लीज झूठ ना बोलें. अगर आपसे कोई सवाल पूछता है इंटरव्यूअर, साफ साफ बता दें, अगर आपको नहीं आता जवाब, जस्ट से कि मुझे नहीं पता. इससे हम क्या जज कर रहे होते हैं? आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई जज. अच्छा, मेरे लिए वो इंडिविजुअल जिसको अपना काम नहीं आता या टेक्निकल कोई चीज नहीं आती, वो मैं सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकती, मैं वैल्यूज नहीं चेंज कर सकती. सो वी वुड मच रादर इन्वेस्ट इन समवन जिसकी वैल्यू स्ट्रांग हो. अच्छा, बहुत अच्छा. एक और चीज़ मैं आपसे नीलोफर पूछूंगी कि देखें, जब आपने कहा कि जो आपके बैकग्राउंड चेक्स आते हैं उसमें उसका कंडक्ट और बिहेवियर भी चेक किया जाता है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फॉर इंस्टेंस आप बॉस है, क्योंकि लास्ट जो होता है ना आपका जो बॉस होता है उसकी भी रिपोर्ट बड़ी वो होती है, उसका नाम भी पूछा जाता है टाइम्स, कुछ नई एप्लीकेशंस में उसका नाम, नंबर. अच्छा, आपके बॉस से क्लैशेस हो सकते हैं एट टाइम्स, नॉट बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, कहा तो यही जाता है कि जी बॉस इज ऑलवेज राइट बट नॉट ऑलवेज. अच्छा, इस सिनेरियो में आपको उसने अच्छी रिपोर्ट नहीं दी, अपना कुछ पर्सनल इशू सेटल किया आपके साथ, एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल क्योंकि एक ह्यूमन फैक्टर है, तो फिर किस तरीके से इस चीज को आप लोग मतलब आगे, उसको तो फिर हिट हो गया ना, तो इसका भी कुछ बैलेंस आउट करते हैं या गैप्स आर देयर और इसको इम्प्रूव होना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल. ये एक जिसको हम कहें अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जब और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन अक्सर छोड़ के जाते हैं तो वो कुछ पर्सनल हो जाते हैं, बॉसेस भी और एम्प्लॉयज भी. कभी एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे नहीं बोलेंगे और कभी बॉसेस जिनके वो रेफरेंसेस उनको देने पड़ते हैं मजबूरन, क्या किया जाए, वो जो उनका हेड होगा या HR हेड उसका दिया जाए. इसके लिए हमने मिटिगेशन ये की हुई है कि हम रेफरेंसेज उनके एक तो पर्सनल नंबर्स पे कंडक्ट नहीं करते, ऑफिशियल नंबर्स के थ्रू कंडक्ट करते हैं जो उनके लैंडलाइन ऑफिसेज के होते हैं, और उसके बाद सिर्फ HR से कंडक्ट नहीं करते, जनरली HR रिपोर्ट देता है और एम्प्लॉय की. हम प्रिफर करते हैं उसका देखना, जब हम कंडक्ट की बात करें, कि उसका टाइम स्पैन तो पहले वेरीफाई हो जाए कि इसने इस ऑर्गेनाइजेशन में वाकई काम किए, और जब उसने अगर वहाँ पर वाकई काम किए तो फिर उसका HR के अलावा जो HR रिपोर्ट है उसके अलावा उसके सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर की रिपोर्ट होती है उसमें. तो वो दोनों रिपोर्ट्स हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि मिटिगेट करें जजमेंटल बायस को. एक
कोशिश बहुत है। सारे लोगों से आप पूछते हो, हाँ इसका ये होता है कि जो कुलीग्स हैं उनसे भी पूछा जाए, जी लेकिन अगेन यू नो उन सब प्रोफेशनल्स के नंबर्स लेना फिर उनसे कि वो देगा, नॉट ऑल द पीपल आर विलिंग टू शो देयर कमेंट्स, तो उस चीज को फिर ये चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस हैं, समटाइम्स दे डोंट रिवर्ट। अच्छा, हम भी फिर सिर्फ ये नहीं करते ना, देर इज अ टीम। हमने कुछ ऐसा भी काम किया हुआ है, क्योंकि हमारे हम मल्टीनेशनल हैं, तो जब पाकिस्तान के वो नंबर से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हम वही आस्क फॉर द यूके और द यूएई टीम के वो उनको वो कह रही फिर उनको रीच प्राइवेट आउट नंबर से करें। कॉल आती है। ओके राइट मतलब दिस इज अ अच्छा वे आउट, दिस इज अ वे हाँ आउट, क्योंकि अच्छा, तो पाकिस्तान नीलोफर ये सारी चीज में तो बहुत ज्यादा मतलब कितना टाइम लग जाता है एक बैकग्राउंड चेक करने में? जब आप देखें सब ऑर्गेनाइजेशंस, ये डिपेंड करते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन कौन से चेक्स करवाना चाह रही हैं। अच्छा आई मीन यू हाँ गिव आपको उनको पूरा हम उनको ऑफर देते हैं हमारे फ्लेक्सिबिलिटी पास देते ये हैं। चीज है हाँ कौन कौन सी? अच्छा ओके आप कौन कौन से राइट कराना चाहते हैं, क्योंकि सब ओ ऑर्गेनाइजेशन सब चेक्स नहीं कराना एग्जैक्टली चाहते। जरूरी भी नहीं हाँ है। जरूरी भी नहीं है ना, ठीक है कुछ चेक्स तो यू नो इफ दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट तो वो आप बेशक ना कराएं, लेकिन ये कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन जो और इस जो मिनिमल टाइम है, सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है डिग्री वेरीफाई करने में लगता है, क्योंकि कुछ फॉरेन या यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानी? फॉरन तो ऑनलाइन हो जाती हैं। सी हाँ यही मैं गैप करना चाह रही थी कि यहाँ पे हाँ क्यों अभी प्रोसेसेस इन प्लेस नहीं है जबकि इतनी फेक डिग्रीज के यहाँ पे इश्यूज बनते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है? यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम आती 3 to 4 weeks लग जाते हैं अच्छा आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आने अच्छा में टू माय बड़ी। शॉक ये कम टाइम है और क्योंकि यहाँ मैं आपको ये मिनिमल टाइम बता रही हूँ, थ्रेशहोल्ड बता रही हूँ, कम से कम बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब जो न्यू बनी है वो ऑनलाइन जा रही हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी तक ऑनलाइन नहीं गई और देर इवन अनएबल टू प्रोड्यूस द डाटा कभी कभी, तो इसीलिए तो हमें रीवेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय का फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट उसका दारोमदार इस पे होता है, डिग्रीज पे, इन रेफरेंसेस पे, तो हम टाइम की जल्दी करके उसको फॉल्सिफाई रिपोर्ट दे नहीं सकते। हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी है, हम ISO स्टैंडर्ड से कंप्लाइंट हैं, हमारी अपनी ISMS की पॉलिसी से कंप्लाइंट हैं, हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अपना नाम रखा हुआ है, तो वी इंश्योर कि जितना टाइम भी लगे रिपोर्ट वेरीफाइड और कन्फर्म्ड हो, लेकिन ये डिग्री वेरीफिकेशन में और एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स वेरीफिकेशन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस लेटर्स थोड़ा सा अगर उसमें गड़बड़ भी हो जाए तो हम 3-4 रिसोर्सेज से फिर पता कर लेते हैं उसी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सपीरियंस लेटर है, पहले तो यही होता ना कि एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं देते थे, आपका एम्प्लॉय हाँ छोड़ के गया तो बिल्कुल एक्सपीरियंस लेटर नहीं देना, वो हाँ आपको नाक से लकीरें रगड़वा के एग्जैक्टली मिलता है। एग्जैक्टली दैट इज सो रॉन्ग, दिस इज बिकॉज सो अगर किसी ने रॉन्ग। आपके साथ काम किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो अपनी करियर ग्रोथ के लिए या व्हाट सो एवर रीजन जा रहा है, तो एक्सपीरियंस लेटर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है फिर उसको? वो अगर कभी नहीं मिलता है, डू वी हैव अ पॉजिटिव साइड ऑफ दैट कि आपकी डोमेन में ही आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कि एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला, बैकग्राउंड चेक से जॉब भी दिलवा दियो कि यस नहीं या इट इज देयर? इट इज देयर, अनफॉर्चुनेटली इट इज देयर, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन ने हमें रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई करने की कर दी है तो वी शुड डू दैट। क्लाइंट ने हमारे जब रिक्वेस्ट कर दिया है कि एक्सपीरियंस लेटर्स ही वेरीफाई करके दो, ये इसकी एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई करो, तो एम्प्लॉयमेंट वेरीफिकेशन अदर देन द एक्सपीरियंस लेटर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से भी हो जाती है, फाइनल सेटलमेंट से भी हो जाती है, जरूरी नहीं कि हम एक्सपीरियंस लेटर ही उसके बिल्कुल लिए देखें। बिल्कुल इसमें मैं यही आपकी बात करूंगी कि देखें जी अब टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, पहले ये होता था कि जो ओरिजिनल डिग्री संभाल के रखनी है, अगर ओरिजिनल डिग्री कहीं गुम गई तो बस जी यू आर गॉन, ठीक है आपके यू आर यू स्टैंड नो वेयर। अब चूंकि आप कह रहे हैं देखें जी डिजिटलाइजेशन हो गई, ऑनलाइन आप बाहर हमने की हर डिग्रीज चीज़ की वेरिफिकेशन कर लेते हाँ। हैं और वहां पे आसान है, तो व्हाई कांट वी यू नो ट्रांसफॉर्म इनटू दैट? अब अगर आप ये देखें जो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की आप बात करती हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि जब टेक्नोलॉजी और डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पे कॉर्पोरेट्स आते हैं, HR आ गया है, कंपनीज आ रही हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? उसकी थोड़ा सिग्निफिकेंस मैं चाहूंगी आप उसको। देखिए एज लीडरशिप वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, हम पहले ना अब बिल्कुल बायसनेस निकल गई है, तो ये नहीं होता कि अच्छा मुझे टीम में अगर ये पर्टिकुलर अकाउंट एग्जीक्यूटिव पसंद है तो मैंने सिर्फ इसी को प्रमोशंस मेरिट्स देने हैं, नहीं। इवन एज लीडर्स एज मैनेजर्स आपके पास भी अब आपने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि पहले तो हमारे पास वो यार्ड स्टिक ही नहीं थी ना, हम किस तरह मेजर करते? पहले तो आपके पास सिर्फ वही था, टाइम इन टाइम आउट अटेंडेंस लग रही है। अब आपके पास KPIs डिफाइन है, अब आपके पास सॉफ्टवेयर इस तरह के, आप एक एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, आपके HR के सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आपकी पूरे गोल्स सेट होते हैं आपके महीने के, अभी बल्कि
कल भी मुझे ईमेल आई थी रिमाइंडर के, ओके सो नाउ अगर नया क्वार्टर शुरू हो रहा है साल का, तो क्या गोल्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, किन चीज़ों पे आप इवेल्यूएट करेंगे एम्प्लॉयज को, फिर उनका प्रोमो का मेरिट का क्राइटेरिया क्या होगा. तो ये सारी चीज़ें जब आप डेटा इन्फॉर्म डिसीजंस करते हैं, तो ना आपके तारीफ से, ना आपकी जो थोड़ी सी क्रिटिसिज्म से, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से एम्प्लॉय बुरा मानता है. बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव द नंबर्स टू प्रूव हिम. वो ये नहीं कह सकता कि मेरे बॉस ने जी मैं पसंद नहीं हूँ या कोई बायस है तो इसलिए डिसीजन किया. और फिर आप वो जो ना मेरिट आगे आता है, फिर आपकी प्रमोशंस भी उसी तरह होती है. एंड आई थिंक नीलोफर कैन शेड मोर लाइट इन ऑन टू दिस कि एचआर भी फिर उसी तरह का फीडबैक रिक्वायर करता है फ्रॉम द मैनेजर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने ही उन चीज़ों को प्रोसेस में लेके आना होता है. अच्छा अच्छा अंजा, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड चेक्स हो रहे हैं, एचआर प्रोफेशनल्स भी हैं और देख रहे हैं, हायर करें, यू बीन इनटू यू नो रिक्रूटिंग एंड हायरिंग, व्हाट ट्रेट्स यू वॉन्ट टू सी, वो कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, चीज़ें हैं जो एक मल्टी नेशनल का रिक्रूटर जो है, एक यंग प्रोफेशनल्स भी हमें देखा है, जस्ट वॉन्ट यू टू कि वो कौन से ट्रेट्स हैं और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वो इंटरव्यू में कर जाते हैं. एक तो सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी बताई थी कि झूठ नहीं बोलना. सेकेंड थिंग इज दिस के लोग बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं अपने ओपिनियंस को और अपने एक्सपीरियंसिस को. सो वो हम देखते हैं एटलीस्ट फॉर ग्रोथ टीम्स के आपने नहीं बताना. थर्डली आपकी कौन सी ऐसी रोल्स हैं जहाँ पे लोग ये तो बता देते हैं जी मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की है, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, बट वॉट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिस हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं हैं, कि आप एथिकल हैं कि नहीं हैं, कि आपने कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग की कितनी कैपेबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, हम नहीं देखते. मैं एट द एंड ऑफ द डे ये मैं बिल्कुल बाद में देखती हूं कि सीवी, बाद में ही पता चलता है, नो वन इज. अच्छा वो चीज़, लेकिन नहीं, वो चीजें आप डेमोंस्ट्रेट करवा सकते हैं, ठीक है. और दूसरा, अब हमने एक्सपीरियंसेस, कुछ एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे हो गए, रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर आ गए, गेमिफाई हो गया, ओके. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको पता भी नहीं चलता कि इट्स नॉट जस्ट कि आपकी जो इनिशियल स्क्रीनिंग्स होती हैं वो गेमिफिकेशन हो गई उस पर. सो लिटरली एम्प्लॉयज आप उनकी एनालिटिकल स्किल्स मेजर कर सकते हैं, आप उनकी क्रिटिकल थिंकिंग मेजर कर सकते हैं. अगर वो क्रिएटिविटी की तरफ जाएं तो आप उनकी विजुअल स्पेशल एग्जैक्टली. अच्छा देखो, अब ये चीज़ें भी वही वाली बात है कि ये जो टेस्ट होने चाहिए गेम्स के थ्रू, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, आपको अब यू नो यू नीड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, यू नो कि आप अगले के माइंड साइंसेस को देख करके जज कर सको, बिकॉज अब टाइम नहीं है और यू नो कम वक्त में हमने ज्यादा. लेकिन एक जो सबसे फनी क्वेश्चन मुझे लगता है ना, और ऑलमोस्ट हर जगह ये इंटरव्यू में पूछा, गिव मी योर 3 वीकनेसेस. अच्छा ये अब क्या बताया जाए. अच्छा जो वीकनेसेस होती है ना, अब लोग उसको देख रहे होते हैं, ये हमारा पॉजिटिविटी ही शो करेगी भी, यू नो कि हम में हार बर्दाश्त नहीं करती, आई एम अ गो गेटर, यू नो ये वीकनेस भी होगी, लेकिन अगले को पता है अच्छा यार शी विल और ही विल मीट. जो वीकनेस आप पूछ रहे हो उसको किस तरीके से डील करें हमारे जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं. आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है. अगेन बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें कितना सच्चा होना चाहिए. 100% अगर देखो, अगर किसी की वीकनेस है फॉर इंस्टेंस एज मैं यहाँ की जी, उसको गुस्सा आ जाता है, बट ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, वो ब्रेक कर जाता. अब वो क्या ये बोल दे मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्से में ब्रेक कर उससे 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 आप इवैल्यूएट करेंगे इसको कहाँ प्लेस करना है, किस तरह से इसको इंसेंटिवाइज करना है, किस तरह से मोटिवेट करना है, विल ही व्हाट स्ट्रेटजी विल वर्क विथ हिम. सो वन, एज योर लीडर्स या मैनेजर्स दे नो आपको किस तरह से डील करना है. दूसरा ये कि इस इंडिविजुअल को मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, ये डिस्ट्रक्टिव तो नहीं होगा, मैं किसी ऐसी टीम में, तो हाँ बजाय इसके कि मैं इसको किसी ऐसी टीम में जो कि मे बी फील्ड वर्क में है इन्वॉल्व या जहाँ जरूरत हो इन चीजों एग्रेशन की. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा अच्छा जबरदस्त. अच्छा नीलोफर, आप से मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी भी स्टिल, अब जैसे हम लोग ये बात कहते हैं कि जी गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, वहाँ पे अह लोग नहीं है, मेरिट पे तकरीरियां नहीं हो रही हैं, और वो जितनी प्लेसमेंट है, वो कहते हैं ना राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यू नो आपको लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी ये जो मेरिट की और ये चीज जो बैकग्राउंड चेक्स हैं उसमें उधर भी बहुत जरूरत है, और गवर्नमेंट सेक्टर को भी, अभी तो आप कॉर्पोरेट्स के साथ मल्टी नेशनल्स के साथ आप काम करिए, एंड फॉर ऑब्वियस रीजन जो गवर्नमेंट के इदारे वो प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं, वाई बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग बेटर, वाई बिकॉज दे हैव अ बेटर वर्कफोर्स टू यू नो डू देयर जॉब. आपको लगता है कि गवर्नमेंट को भी कोलैबोरेशन करनी चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए बैकग्राउंड चेक्स के ऊपर, क्योंकि आप देखें
पुलिस के डिपार्टमेंट में हम देख रहे होते हैं इतने इतने मुकदमे बने हुए हैं, इश्तिहारी हैं, यू नो, पकड़े जाते हैं, वो पुलिस का मुलाजिम निकल जाता है। कराची में इतने सारे इंसिडेंसेस हुए हैं कि जी जब उन्होंने पकड़ा जो स्ट्रीट क्रिमिनल था तो ही टर्न्ड आउट टू बी अ पुलिस मैन। कितना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट भी सोचे और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी आए इस तरफ। दिस इज ये सर्टनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिडरिंग के जितने हमारे हुकूमती इदारों में जिस किस्म की तकरारियाँ हो रही हैं, जिस किस्म के इशूज बाद में सामने आते हैं, गॉड फॉरबिड, मेरे ख्याल से इट्स अ हाई टाइम, वेरी राइटली पुट बाय यू साइमा, थैंक यू फॉर पुटिंग दैट इन प्लेस, कि ये एक बहुत ही अहम वक्त है, अहम ज़रूरत है वक्त की, कि हम ना सिर्फ प्राइवेट इदारे तो छोड़ दें, उनको साइड पे करें, हुकूमती इदारे जो कि इस मुल्क के सरबराहान जाते हैं, मुल्क के करते धरते हैं जो। अच्छा, ये जो सरबराहान हैं और जो हमारी लीडरशिप पोजीशन मुल्क चलाने, एग्जैक्टली दैट इज अ क्वेश्चन, अभी कहा गया है, ये कहा जाता है, उनकी डिग्री सवाल उठ रहे हैं, उनकी डिग्रीज चेक होनी चाहिए कि नहीं, जब एक छोटी सी पोजीशन के लिए आप देख रहे हो तो जिसके हाथ में आपने मुल्क दिया है, क्या उनके भी बैकग्राउंड चेक्स होनी चाहिए, होने चाहिए, कौन करेगा वो बैकग्राउंड, कौन करेगा वो बैकग्राउंड चेक्स, यानी जाने, ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप हमें फोन करें बताएं, बट ये शो टर्न आउट टू बी ये हो जाएगा पॉलिटिकल शो, हम अपने सिराते मुस्तकीम से हट जाएंगे, तो आप ये सोचिए और हमें बताइएगा। अंजा जी, अच्छा आपसे मैं पूछूंगी कि मल्टीनेशनल्स में हो गया, गवर्नमेंट की हमने बात उठाई, आवाज उठाने का मकसद ये कि कोई एक बंदा जो हमारी बात सुन रहा होगा वो ये सोचेगा, यू नो, बात करने से पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, नैरेटिव बिल्ड होता है, और आज आप देख रहे हैं जो हम कह रहे हैं जी कौम बाशऊर हो गई है, कौम अपनी चीजों के बारे में सोची, वो यही कि उनको एहसास दिला, एक डायरेक्शन दी गई कि भाई इस तरफ भी सोच लो। पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है, आपको लगता है कंप्लीटली वो इस तरफ है या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को भी अभी इस चीज को इनकलकेट करने की जरूरत है, ह्यूज गैप अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर आल्सो? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़ा एक गैप है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, आई हेट टू बी द डेविल्स एडवोकेट हियर, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाना यहाँ लोगों को बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काबिल हैं, जिनके पास शायद वो डिग्री ना हो। मैंने लॉ पढ़ाया, मैंने जाके जब हम पहली पहली अपनी इंटर्नशिप्स करते थे वहाँ देखते थे काफ़ी ज़्यादा पैरालीगल्स वो हैं जो कि मे बी एज अ मुंशी आए थे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा बेहतर वकालत जानते थे। तो यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है। सो मैं ये नहीं कह रही कि डिग्रीज नहीं देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम पब्लिक सेक्टर की तरफ आते हैं, आप बात करते हैं कि ठीक है डिग्रीज आर इम्पोर्टेंट और जो भी हमारे मुल्क के सरबराहान हो वो उनके पास डिग्री होना जरूरी है, आप कैसे कह सकते हैं डिग्री ने काम नहीं करना? एग्जैक्टली, लेकिन उसका बैकग्राउंड चेक चीजें पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन जहां पे बात करते हैं तो एक सिर्फ डिग्री कैन नॉट डिफाइन यू, आपकी एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स को देखा है जो कंपनीज को बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी करवाते हैं, उनकी शायद हर चीज़ ओके की रिपोर्ट हो, लेकिन एग्रीड, लेकिन तो कभी कभार हमें देखिए सबसे बड़े जो अगर दो चीज़ें, क्योंकि मैं टेक में काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया, तो हमें ना एजाइल होना चाहिए अपने बिहेवियर्स में। सो यू नो, यू शुड ऑलवेज बी एबल टू अडेप्ट, खासकर अब जो चेंजिंग टाइम्स है ना। सो एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की कही थी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट वुमन फॉर द राइट जॉब, मैन वुमन एंड व्हाटसोएवर, आई मीन व्हाई वी कन्फाइन, बट जब हम एम्पावरमेंट की बात करें तो व्हाई इट इज वुमन एम्पावरमेंट, इट इज एम्पावरमेंट फॉर एवरी मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वेदर दे आर ट्रांसजेंडर्स, वेदर दे आर यू नो इंटरफेथ, उसमें हम उसकी बात कर लें, जो भी पैसा हुआ तब क्या, मैं कहती हूँ मैरिट को बोलना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, और मेरिट टोटली यही है कि वो नहीं है जो पर्चे पे दिख रहा हो, एग्जैक्टली मेरिट वो है जो एक्सपीरियंसेस पे दिख रहा हो, जो आपकी प्रैक्टिकल, आपने क्या चीजें आप कर सके हैं, आपने कौन सी फायदा पहुंचाया है बिजनेस को, हाउ इज योर पीपल स्किल्स, हाउ आर योर पीपल स्किल्स। मैंने यही कल एक मैं गोरे से बात कर रही थी, इंटरव्यू, हमारे मुल्क में आए हुए हैं, बड़ी मल्टीनेशनल के साथ ही काम कर रहे हैं, और उनके पास कोई डिग्री नहीं है ह्यूमन रिसोर्सेज की, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट एचआर प्रोफेशनल्स दैट आर देयर इन द डिपार्टमेंट। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग अंजा आपने बात की कि देखिए जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी अपना माइंडसेट थोड़ा सा अपना हॉरिजन ब्रॉडन करना पड़ेगा कि डिग्री इज वन एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, बट अगेन द स्किल सेट एक होते हैं ना जो एक बंदे के पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, क्योंकि अगेन मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो डिग्रीज ने काम नहीं करना, एट टाइम्स मतलब यू सी पीपल विद टू और थ्री डिग्रीज बट दे कैन नॉट इवन स्पीक अ सिंगल सेंटेंस, एग्जैक्टली यू नो। और इंटरेस्टिंगली इनफ मेरे पास कोई बिजनेस की डिग्री नहीं है, आई डिड माई एलएलबी, मेरी तो एक्सपर्टीज है नैरेटिव बिल्डिंग जी फॉर द स्टेट,
तो स्टेट क्राफ्ट में अब वही देखे कि इफ़ यू आर गुड एट इट फॉर द पब्लिक सेक्टर तो वाई नॉट कॉर्पोरेट में, तो माशाल्लाह जबरदस्त जी. थैंक यू सो मच अंजर, थैंक यू सो मच नीलो फॉर इट वॉज सच अ लवली डिस्कशन. आई होप कि आप लोगों ने भी उतनी इंजॉय की होगी जितनी कि मैंने की है. इसके साथ ही जनाब अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का.